गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 3 इन गोवा। आज थोड़ा जल्दी उठे और नाश्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बीच पे। ओके, और अंगद ने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट लिया है, ऑमलेट, ब्रेड, यस, पोटैटो, बेक बीन्स एंड पैनकेक। ओके, हाय हाय हाय, ही इज अंगद। आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ओल्ड गोवा जाने का। ओल्ड गोवा में पोर्तुगीज चर्च है, दो चैपल बोल सकते हैं, या उनके जो संत है सेंट जेवियर, उनकी बॉडी वहाँ पे प्रिजर्व की गई है, वो देखने के लिए जाएंगे। अगर आपको गोवा के बारे में मालूम रहेगा तो गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज। जैसे इंडिया में ब्रिटिश राज था, वैसे गोवा में पोर्तुगीज राज था। और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, बट उसके बाद भी गोवा पोर्तुगीज के पास था। सो गोवा अराउंड 70s में इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया में शामिल हुआ। सो यहाँ पे आपको पोर्तुगीज कल्चर की थोड़ी इन्फ्लुएंस दिखाई देगा ऑल ओवर द गोवा, जैसे कि घर का स्ट्रक्चर है या यहाँ का कल्चर है, तो उस सब पे पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा राज यहाँ पे पोर्तुगीजों ने किया है गोवा पे। गोवा कभी भी अंग्रेज़ों के पास नहीं था, वो पोर्तुगीजों के पास ही था। तो यहाँ के जो लोग भी है उन पे भी पोर्तुगीज कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है। सो फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं, सो मोस्टली यूरोपियंस है, वैसे सभी देशों से आते हैं बट यूरोपियंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दे फील कम्फर्टेबल ओवर हियर। गोवा यूनियन टेरिटरी था बहुत साल तक, तो गोवा पे टैक्सेस बहुत कम है। सो बहुत सारी चीज़ें जैसे अल्कोहल है या खाना है यहाँ पे क्वालिटी भी मिलता है और चीप भी है। सो फॉरेनर्स को गोवा बहुत ही पसंद रहता है आने के लिए। एंड अभी हम लोग जो चर्च में जाएंगे वो भी पोर्तुगीज के ज़माने से है वो चर्च, उसको ओल्ड गोवा बोलते हैं। एक ही प्रीमाइसेस है वहाँ पे, चार पांच अलग अलग चैपल्स है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। उन चर्च का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, देखने लायक है, तो वो शायद अगर पॉसिबल होता है तो कैमरा में कैप्चर करेंगे। हाई टाइड चालू हो गई है तो पानी अभी पूरा ऊपर तक आने लगा है, पहले अंदर तक था सुबह, अभी यहाँ तक आने लगा है। तो अभी टाइम टू मूव। लहरें भी आज थोड़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। कल थोड़ा शांत था बट आज बहुत ही ज़्यादा लहरें भी है, ज़्यादा है और बहुत बड़ी बड़ी भी है। सो थोड़ा स्विम करने के लिए डिफ़िकल्ट था, कल बहुत ही अच्छा और शांत था। चलो सो अभी फ्रेश होके हम लोग निकल रहे हैं ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा 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 ओल्ड गोवा
ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा पहुंच गए। सो ये स्ट्रक्चर है सेंट ऑगस्टीन चर्च। ये पूरा प्रीमाइसेस बहुत सारे चैपल्स एंड चर्च है। ये स्ट्रक्चर देख के फिर हम मेन चर्च नीचे जो दो चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जहाँ पे सेंट जेवियर की बॉडी रखी हुई है वहाँ पे जाएंगे। So we are here at the Basilica of Bom Jesus, the main church. पूरा ये पूरा premises चर्च से भरा है। ये सामने भी एक चर्च है, ये एक Basilica of Bom Jesus, ये main church है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देख के हो गया। अभी हम लोग सामने वाले चर्च में जा रहे हैं। चल रे पटकन। नारायण पानी भेजे बहुत ही पुराने चर्च है बट वेरी वेल मेंटेन्ड। वहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं और जो लोग भी फर्स्ट टाइम गोवा आते हैं उन्होंने ये चर्च देखने चाहिए। मस्त सी, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ह्यूज है, लार्ज है। तो हम लोग अभी ओल्ड गोवा से निकलेंगे, कहीं रास्ते में खाना खाएंगे और फिर अगर टाइम मिलता पंजील लाइज है दोना पावला। सो अगर टाइम होता है अवेलेबल तो पंजी के डोना पावला जेट्टी पे भी हम लोग जाएंगे। डोना पावला जेट्टी पे सिंघम मूवी का शूटिंग हुआ था जिस पे अजय देवगन बहुत ही हीरोइक फाइट करता है। चलो भाई खाना खाने को का है? होटल जेने गार्डन ओल्ड गोवा पंजी रस्ते पे ये छोटा सा होटल है जेने गार्डन। हम लोग लास्ट टाइम आए थे भी यहाँ पे रुके थे। सामने पुलिस सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है उसके एग्जैक्टली अपोजिट ये होटल है। छोटा होटल है बट एम्बियंस और व्यू बहुत ही अच्छा है एंड फूड भी अच्छा है। देखो रिवर को लग के ही होटल है, सिटिंग भी अच्छा मिल गया।
आंसर है त्रिमानी में आलो डोना पावला डोना पावला मुक्का हां फ्रांसला पानी दिलो हो का फ्रांसला पानी दिलो लोग अभी आए हैं डोना पावला जेटी वहाँ पे जेटी है बट कुछ रेस्टोरेशन के काम के वजह से वो बंद है सो यहीं से देखना पड़ेगा जो मूवी का शूटिंग हुआ था सिंघम का वो वहीं पे हुआ था ओके तो काय केलं प्लांट्सला पाणी दिलं की प्लांट्सला पाणी तो डोना पावला का जेटी तो बंद था इसलिए ज़्यादा टाइम रुके नहीं गर्मी तो बहुत है जितना पानी के नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग अभी निकल रहे हैं सीधा जाएंगे होटल और होटल पे स्विमिंग पूल में थोड़ा चिल आउट करेंगे प्रक्षोति और अग्नि को हम लोग ने शॉपिंग के लिए ड्रॉप किया है वो लोग चल के आएंगे तब तक मैं और अंगद आराम करेंगे क्या करेंगे आराम ओके फिर दीदी आने के बाद तुम स्विमिंग करना हाँ resting for 2-3 hours we are going out for dinner बागा बीच के नज़दीक एक फैट फिश करके रेस्टोरेंट है तो वहाँ जाने का सोच रहे हैं अपना टाइम आएगा अपुन लाइक लास्ट नाइट इन गोवा कल हम लोग निकलेंगे पूना के लिए फैट फिश सो फाइनली इट्स टाइम टू चेक आउट इट वॉज अ फन ट्रिप हम लोग अभी निकल रहे हैं पुणे के लिए सो बाय बाय गोवा बाय